आज एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हम दुनिया में हो रहे पानी के संकट के बारे में नहीं सुनते। हमारे अपने शहर चेन्नई एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। भले ही हमारे अपने ही देश में इसके असर दिखने शुरू हो गए हों, इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे अप्रभावित हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सूखा उनके घर तक पहुंचने लगेगा और तब वे इसके बारे में सरकार से शिकायत करना शुरू करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने घर में बोरवेल खोदे हुए हैं और भूमिगत जल स्तर के बारे में कुछ ध्यान नहीं देते। ये वही लोग हैं जो घंटों स्नान में बिताते हैं और जो हर समय अपने दांत ब्रश करते हुए नल को चालू रख देते हैं। ये वही लोग हैं जो अपना टपकता नल ठीक नहीं करवाते हैं। यहाँ हम पानी की बचत पर चर्चा करेंगे। यदि आप इन लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं तो सावधान, वरना धरती माँ आपको आपकी लापरवाही का सबक सिखाएगी। आपका समय आ गया है कि जिन भारतीयों के पास पानी है ये एहसास उन्हें शुरू कराया जाए कि वे कितने लकी हैं। नहीं तो आज दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो केवल 2 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति करते हैं और फिर इसे पूरे दिन के लिए प्रतिबंधित करना पड़ता है। ऐसे कई लोग हैं जो पानी पीते हैं जिन्हें पीने के लिए पूरी तरह से पानी नहीं मिलता क्योंकि उनके गांव में पर्याप्त पानी ही नहीं है। अपने विशेष अधिकार को पहचानें और पानी की बचत शुरू करें, जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। आसान तरीके जिन्हें आप कर सकते हैं। पानी टपकने वाले नलों को ठीक करें। भारत में लगभग 50% पानी लीक के कारण बर्बाद होता है। अपने घर के किसी भी प्रकार के टपकते हुए नल को सबसे पहले ठीक कराएं। प्लम्बर को कॉल करवाने में थोड़ी मेहनत तो होती है, पर अभी ही सही समय है अपना काम पूरा करने का। उदाहरण के लिए, यदि आपके नल से हर सेकंड में पानी की एक बूंद टपकती है तो यह कुल मिलाकर 5 गैलन पानी बन रहा है और एक साल में 2000 गैलन से भी ज्यादा, सिर्फ एक छोटे से नल टपकने के कारण। और ये भी तब सिर्फ एक नल से पानी टपक रहा हो। यदि एक से अधिक नल हो जिनसे पानी टपकता है तो आप प्रतिदिन 100 गैलन पानी को खो सकते हैं। जल बचाओ के लिए अलग अलग तरीके जानने के लिए दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। समझदारी से फ्लश करें। इन दिनों स्मार्ट और अधिक पर्यावरण के अनुकूल शौचालय हैं, जो कि जरूरत के अनुकूल ही पानी रिलीज करते हैं। ऐसे ही टॉयलेट का उपयोग शुरू करें। वरना एक बहुत ही साधारण तरीका ये है कि फ्लश टैंक को खोलकर उसमें 1 लीटर का बॉटल डाल दीजिए। ये आपके द्वारा हर बार उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को कम करेगा। बिना खरीदे या ज्यादा मेहनत की आपको बस इतना करना है कि एक बॉटल भरें और इसे टैंक में रखें। ये आसान से काम करके आप हर दिन 10 गैलन पानी बचा सकते हैं। कम प्रवाह वाले नल स्थापित करें। ये ऐसी चीज है जिसका कोई ध्यान नहीं रखता। लोग फुल सेटिंग पर नल छोड़ देते हैं और उसके ऊपर उन्हें काफी देर तक खुला छोड़ देते हैं। इतना पानी क्यों वेस्ट करना जब आप बस कम प्रवाह वाले नलों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यदि आप नए नल का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो कम प्रवाह वाले नल लगाएं। यदि आप पहले से ही उन्हें लगा चुके हैं तो उन्हें कम सेटिंग या प्रवाह में उपयोग करने का प्रयास करें। शावर से नल जोड़ें। बाजार में आज ऐसे कई छोटे छोटे शावर नल उपलब्ध हैं जो विशेष रूप से रसोई के नल के लिए तैयार किए गए हैं। इनका आप विशेष रूप से रसोई के नल के लिए इस्तेमाल करें। इसमें हो रहे बौछार पानी को अधिक फैलाता है और अधिक सतह क्षेत्र को कवर करता है। इसके साथ ही ये पानी के बहाव को कम करता है। अगर आप इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो सेक्शन में उपलब्ध उत्पादों को देखें। चालू नलों को बंद करें। हालांकि आज हमारे पास पानी बचाने के लिए कई सारे तरीके उपलब्ध हैं, कुछ अत्यंत बौद्धिक लोग हैं जो पूरी प्रवाह पर नल खुला छोड़ देते हैं। कटाक्ष इरादा है तो भले ही आप इसे खोलने वाले नहीं हैं, अगर आपको एक चालू नल दिखे तो बंद कर दें। ये आमतौर पर सार्वजनिक सेटिंग्स में होता है। पानी को बचाने की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं और अगर आपको कोई भी नल खुला दिखे तो उसे तुरंत बंद करें। शावर, आप अपने शावर को स्पा की तरह इस्तेमाल ना करें। एक समय सीमा रखें और उसी के अनुसार इसका इस्तेमाल करें।
बस खड़े होकर पानी को बर्बाद करने की बजाय जल्दी काम करें और बाहर आ जाएं। खास तौर पर जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हों तो नल बंद कर दें और लगाने के बाद चालू करें। अपने पानी को बस ऐसे ही बर्बाद ना होने दें। ब्रशिंग, ब्रश करते समय नल बंद करें। जब आपका नल बिना किसी कारण चल रहा हो, नीचे नाली में गया पानी कभी वापस नहीं आता, इसलिए समझदारी से ब्रश करें। एक अच्छी टिप, ब्रश करते समय हमेशा मग या ग्लास में पानी का इस्तेमाल करें। एक ग्लास में पानी लें और कुल्ला करने के समय उस पानी का इस्तेमाल करें। ये एक बेहतरीन तकनीक है और आप आश्चर्यजनक रूप से लगभग एक ग्लास पानी का उपयोग कर सकेंगे। वाटर प्योरीफायर्स, कई सारे वाटर प्योरीफायर्स में 30% पानी ही शुद्ध होता है और बचा हुआ 70% पानी उसका निपटान होता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 3 लीटर पानी के लिए आप 7 लीटर पानी की बर्बादी कर रहे हैं। और अगर आपके पास एक ऐसा जल शोधक है जो पानी को साथ में रखता है और उस पानी की पाइप को आपने नाली से जोड़ दिया है तो शर्म आती है आप पर। उस पाइप को बाल्टी या ड्रम में डालें और उस पानी को बचाएं। ये नियमित ताज़ा पानी है जिसे आप नाली में डाल रहे हैं। इस पानी को बचाने के बाद इसका भी उपयोग करें। यदि आपका वाटर प्योरीफायर किसी पानी को अलग से डिस्पोज नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक सच्चा वाटर प्योरीफायर है। वॉशिंग मशीन एंड डिशवॉशर्स, इन्हें सावधानी से खरीदें। यदि आप एक खरीदने वाले हैं तो ऐसा उपकरण खरीदें जिसमें हाफ लोड, इको फ्रेंडली मोड आदि के लिए अलग अलग मोड हों। आधुनिक डिशवॉशर्स वास्तव में पानी बचाते हैं क्योंकि ये कम पानी का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। यदि आप बर्तन धो रहे हैं तो इसका उपयोग होगा। उन्हें पूरी तरह से लोड होने दें जब आप धोने वाले हों, तो वह कुछ ऐसा हो जो आप कर सकते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल करें। पानी को रिसाइकल कैसे करें? आपने सही सुना, आप वास्तव में पानी को रिसाइकल कर सकते हैं। हमारा पहला सुझाव है, यदि आपका जल शोधक पानी को डिस्पोज करता है तो इसे बचाने के बजाय इसे नाली में गिरता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है? किसी बर्तन में अपने शुद्धिकारक पाइप को अटैच करें। ये एक बाल्टी या एक ड्रम हो सकता है या किसी भी प्रकार का एक बड़ा बर्तन जिसमें शायद एक पतला शीश होता है ताकि पाइप उसमें अच्छी तरह फिट हो जाए। अगर कोई जगह नहीं है तो पाइप को लंबी करें और इसे एक बर्तन से जोड़ दें। पाइप को दूर तक पहुँचाने के लिए एक पाइप को दूसरी पाइप से जोड़ें ताकि यह अधिक दूरी तक जा सके। हमारा दूसरा सुझाव ये है कि आप डिशवॉशर के डिस्पोजल पानी का उपयोग करें अपने पौधों में। आप वॉशिंग मशीन के डिस्पोजल पानी का उपयोग भी पौधों में पानी डालने के लिए कर सकते हैं। फ्लावर्स डिटर्जेंट को अवशोषित नहीं करते, इसके बजाय पानी में अभी भी कुछ कण हो सकते हैं जो उपयोगी हो सकते हैं आपके पौधों के लिए। आप जिस पानी से अपने हाथ धोते हैं उस पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने बर्तन धोने या जिस पानी में आपने अपने कपड़े धोए हैं वो पानी भी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। इस प्रकार का गंदा पानी आसानी से आपके बगीचे में उपयोग हो सकता है। पानी बचाने के लिए सरकारी योजना, मझापोलीमा, त्रिशूर जिला, केरला। भारत के विभिन्न हिस्सों में भूजल संचयन की सर्वोत्तम प्रथाएं, राज्य विभागों और स्थानीय निकायों की पहल। भारत के विभिन्न हिस्सों में भूजल संचयन की सर्वोत्तम प्रथाएं, राज्य सरकार की पहल। राजस्थान जल संरक्षण में तेजी से प्रगति कर रहा है। पानी प्रबंधन के लिए पानी पंचायतों का संगठन। खेत तालाबों के माध्यम से सूखे का सामना करना। गंगा ग्राम एक कदम आगे, सीचेवॉल मॉडल। त्रिशूर में भूजल स्तर बढ़ रहा है, स्थानीय लोगों और किसानों को लाभ हो रहा है। उड़ीसा के 2 ब्लॉकों में साल भर पानी रहता है, लोग आनंदित हो रहे हैं। बारिश के पानी का संग्रहण, ये आसानी से केवल आपके घर के सभी बर्तनों जैसे कि टब, बाल्टी और अन्य बड़े बर्तन को बारिश में रखकर उसमें बारिश के पानी को जमा करके आसानी से किया जा सकता है। सबसे आसान काम ये है कि बारिश में चौड़ी सतह वाले एक टब को रख दिया जाए और फिर बाद में इसका उपयोग किसी भी दूसरे काम में किया जा सकता है। ये एक छोटे से उपयोगी कदम की तरह है जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं।
प्रोफेशनल तरीके से इसे करने के लिए आप अपने घरों में एक निर्मित रूप से हार्वेस्टिंग प्लांट लगा सकते हैं। एक और तरीका ये है कि बरसाती बैरल को ड्रम की तरह स्थापित करें, जिसमें आप पाइप के थ्रू छतों से आने वाले पानी को जमा कर सकते हैं। आप अपने बगीचे में एक छोटा सा तालाब बनवा सकते हैं, जिसे ढक कर रखें ताकि बाकी सारे कीटाणु से बचा सकें। आपको एक तनावपूर्ण प्रणाली इसके साथ लगाना होगा ताकि सिर्फ शुद्ध पानी ही इसमें स्टोर हो सके। अपने घर के बाहर किन बातों का ध्यान रखें? ये बहुत ही सरल है, बस जल निकायों को साफ रखें। केवल आपके घर के पानी को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि जल निकायों को साफ रखने की भी आवश्यकता है। कभी भी नदियों में कपड़े ना धोएं, कचरे को पानी में ना डुबोएं। ये सब आपकी जिम्मेदारी है ताकि जल निकायों को साफ रखा जा सके। लोग समुद्र तटों पर जाते हैं और समुद्र में सभी प्रकार के कचड़े को फेंकते हैं, उन्हें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। यदि आप समुद्र तटों को साफ नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें गंदा ना करें। अगर आप एक तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप शुद्धि के साथ स्वयं सेवा कर सकते हैं, जो एक गैर सरकारी संगठन है और नेशनल ज्योग्राफी द्वारा फंडेड है। ये लोग सुबह जाते हैं, आमतौर पर रविवार को, और समुद्र तटों को साफ करते हैं। आपको जलापान भी मिलेगा। अभी ये मुंबई में जुहू बीच में काम कर रहे हैं, बाकी शहरों में भी इनकी शाखाएं हैं। स्वैच्छिक काम। अपनी धरती को बचाने के लिए खुद से किए गए काम से ज्यादा संतोषजनक कुछ है ही नहीं। जैसा हमने ऊपर उल्लेख किया है, आप शुद्धि नामक एक एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं जो इससे संबंधित है और नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा फंडेड है। आप रविवार को समुद्र तत्वों को साफ करने जा सकते हैं। ये नदियों को भी साफ करते हैं। बस अपने जीवन में एक बार स्वयं सेवा करने का प्रयास करें, आप संतुष्टि का एहसास करेंगे। इन उत्पादों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें।